वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि अगर आपने भी सैमसंग मोबाइल लिया है या फिर सैमसंग मोबाइल के थ्रू कोई भी चीज़ फाइनेंस कराए हैं तो उसको किस तरीके से पे करेंगे, और आप घर बैठे ही किसी के भी मोबाइल से कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल के खुद से कर सकते हैं। जिसमें क्या हुआ कि आपको जो ट्रांजेक्शन फ़ीस आपसे वसूला जाता है कहीं पर भी जाते हैं पे कराने, तो वो चीज़ आपको नहीं देना पड़ेगा। साथ में जो ओवर ड्यू है वो नहीं बनेगा। साथ में इसकी क्या क्या कैटेगरीज होती है, कैसे आप पे कर सकते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे सभी के माध्यम से पे करने की सुविधा ये देता है। साथ में अगर आप चाहें तो उससे ज़्यादा अमाउंट भी पे कर सकते हैं, उससे कम भी अमाउंट पे कर सकते हैं। तो सारी डिटेल्स बताएंगे आज की इस वीडियो में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। सो गाइस, सबसे पहले आप जैसे अगर सैमसंग का फ़ोन लिए होंगे तो सैमसंग के फ़ोन में अगर आप फाइनेंस कराते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कराया जाता है जिसको सैमसंग फाइनेंस प्लस इस तरीके से एप्लीकेशन होगा। इस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दिख जाएगी, मतलब कौन सा आपका फ़ोन है, किसके नाम से यहाँ पे रजिस्टर्ड किया गया है फ़ोन, सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे मेरा जो फ़ोन लिया था 40,000 का फ़ोन था जिसमें मेरा डाउन पेमेंट 15,000 बना हुआ था, और 15,000 बनने के बाद जो हम EMI के रूप में पे करेंगे वो हमारा टोटल अमाउंट बनेगा 26,499 रुपये, जो कि हर मंथ हमें 2409 रुपये पे करना पड़ेगा। और इसको जो ड्यू डेट है यहाँ पे देख सकते हैं, ड्यू डेट बना हुआ है 5 जून, ठीक है, तो इतने डेट के पहले हमें भरना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऑटो डेबिट इनेबल्ड है, यानी कि मेरा बैंक अकाउंट लगा हुआ है, तो अगर हमारे बैंक अकाउंट के अंदर पैसा होगा तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। कभी कभी बैंक इशू होने के कारण बैंक से भी पैसा नहीं कटता है और हमें एडवांस पेमेंट करना पड़ता है, यानी कि फ़ाइन भरना पड़ता है। तो इन सभी फ़ाइन से बचने के लिए आपको करना क्या है, डायरेक्ट इस एप्लीकेशन के अंदर आना है। अगर आप फ़ोन पे, गूगल पे कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं तो यहाँ से आप भर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो किसी दोस्त का लेकर या फिर किसी के मोबाइल लेकर आप भर लेंगे और उनको पैसा आप दे सकते हैं। उसके लिए गाइस सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें डिटेल्स की, तो यहाँ पे अगर आप डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा क्या कि यहाँ पे सारी डिटेल्स आपकी शो की जाएगी और यहाँ पे जितनी भी ट्रांजेक्शन है यह दिखाया जाएगा, ठीक है। हम बात करते हैं पे करने की, तो यहाँ पे का एक ऑप्शन आ रहा है, 12 दिन के अंदर हमें इसको भरना है। याद रहे 2 से 3 दिन पहले भर दीजिए, क्योंकि जो जनरेट होता है बिल उसको पूरे तरीके से सबमिट होने में 2 से 3 दिन का समय लगता है। तो इंट्रा डे अगर आप पे करते हैं तो फाइन लग जाता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से सेटलमेंट नहीं होता है। तो आपको पे करना है तो यहाँ पे, यानी कि जमा करना है तो पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, या तो आप मंथली वाइज जो बनता है उसको पे करना चाहते हैं तो पे कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास पैसा हो गया आप चाहते हैं कि हमें किस्त दोबारा ना भरना पड़े, पूरा पे करना चाहें तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है पे नाउ का, तो इस पर क्लिक करके पे नाउ पे कर सकते हैं। फिलहाल इसकी डिटेल्स देखना हो तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर साइन अप एक्सक्लेमेशन बना हुआ है, इस तरीके से क्लिक करेंगे तो जिस जिस डेट में, जिस जिस महीने में, यानी जितने महीने तक भरना होगा सारा ड्यू यहाँ पर शो करता है। तो फिलहाल हमें जो ड्यू बना है केवल उसको पे करना है, तो यहाँ लिखा है नेक्स्ट EMI और जून, इस पर क्लिक करेंगे और यहां पे एक ऑप्शन आता है पे का, पे पे आपको करना है क्लिक। जैसे आप पे पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने एक नई विंडो आ जाएगी जिसके अंदर सभी डिटेल्स शो करेंगे, तो यहां पे कुछ देर तक वेट करना है ताकि ये पेज पूरी तरीके से लोडिंग हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं DMI फाइनेंस इस तरीके से जो लोन अमाउंट, जो लोन नंबर होगा आपको यहाँ पे शो करेगा। साथ में अगर आप चाहें तो इसकी भाषा यहां से चेंज कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, जिसमें चाहें। और इसको भरने के लिए आप ATM कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। UPI में आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम या फिर अदर कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो उसका भी कर सकते हैं। साथ में नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई वॉलेट है तो वॉलेट का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर गूगल पे या फिर फ़ोनपे से करना चाहेंगे तो उसके लिए यहाँ पर जिसका भी चुनाव करना चाहें उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें फ़ोनपे से करना है तो फ़ोनपे पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर बोलते हैं कि आप यहाँ पे UPI ID डालिए। UPI ID बहुत लोग नहीं जान पाते हैं कहाँ से हम UPI ID फाइंड करें, तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, इस तरीके से बंद कर दीजिए फ़ोनपे के अंदर। फ़ोनपे में आने के बाद अब आपके सामने ये इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन इस तरीके से शो करेगा, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जिसका भी UPI ID लेना चाहते हैं यहाँ पे देखेंगे QR कोड से यहाँ पे शो कर रहा है, QR कोड पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आपकी पूरी बैंक की जो UPI ID शो करेगी तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना, जिससे ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे आना है, इस पर आपको जो कॉपी के उसको इस तरीके से पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा पे नाउ का ऑप्शन, तो डायरेक्टली पे नाउ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सारा कुछ आ चुका है, तो यहाँ पे एंड
कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे पे एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अब देखिए अब ये रिक्वेस्ट आपकी यूपीआई पे चली गई है। बस करना क्या है, डायरेक्टली अब आप अपने फ़ोन पे के अंदर आ जाइए। जैसे आप फ़ोन पे के अंदर आएंगे, यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन देख सकते हैं इस तरीके से शो करेगा। जैसे ओपन करेंगे, पे पे क्लिक करना है और यूपीआई आईडी डालना है। तो चलिए हम पे पे क्लिक करके यूपीआई आईडी डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने पे पे क्लिक कर दिया, आप देख सकते हैं कि यू पी आई आई डी भी डाल दिया है। अब यहाँ पे मेरी जो ट्रांजेक्शन है पूरी तरीके से सक्सेसफुली हो चुकी है। यहाँ से हम कट करके डन कर देते हैं। अब यहाँ पे हम एक बार क्लिक करेंगे, अब देख सकते हैं पेमेंट पूरी तरीके से हो चुकी है और यहाँ पे पेमेंट डन हो चुका है। हम यहाँ पे एक बार देख सकते हैं पूरी तरीके से हमारा जो ड्यू है वो पूरी तरीके से भर दिया गया है। अब जो ड्यू बनेगा हमारा अब जुलाई में दिखा रहा है, यानी कि नेक्स्ट मंथ में। तो हमारी जो पेमेंट है पूरी तरीके से हो चुकी है। तो इस तरीके से आप फ़ोनपे के माध्यम से कर सकते हैं। गूगल पे से अगर करना हो आपको तो यहाँ पे डायरेक्ट जो पे नाउ का ऑप्शन दे रहा है पे पे क्लिक करिए। पे पे क्लिक करने के बाद दोबारा से यहां पे पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने फिर से वही ऑप्शन दिखेगा। अगर आप गूगल पे इस्तेमाल करते हैं तो कैसे करना है वो भी जानकारी इस वीडियो के अंदर जानेंगे। गूगल पे से करना चाहते हैं तो यहाँ पे गूगल पे ऑप्शन आ रहा है, गूगल पे पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे यूपीआई आईडी डालिए। अब यूपीआई आईडी इसकी कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए डायरेक्टली आपको गूगल पे के अंदर आना है। तो यहाँ पे हम गूगल पे ओपन कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए गूगल पे हमारा ये है, तो गूगल पे क्लिक करते हैं। गूगल पे क्लिक करने के बाद अब इसका QR कोड आपको निकालना होगा। कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए यहाँ पे क्लिक करना होता है और यहाँ पे आपको जहाँ पे QR कोड आपको दिखे या फिर मैनेज योर गूगल अकाउंट इस तरीके से ऑप्शन आता है वहाँ पे क्लिक करके, या फिर आपको डायरेक्ट ऊपर ही यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये आपकी UPI ID होती है, इसको आपको बेसिकली करना है कॉपी, या फिर यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे आपको कॉपी UPI ID और इस तरीके से क्लिक करके इसको भी यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। देन पे नाउ पे आपको करना है क्लिक। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे अब इसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली गूगल पे चला जाएगा। उसके लिए कंटिन्यू एंड पे क्लिक करना होता है। अब इसका नोटिफिकेशन आपके गूगल पे जाएगा। अब गूगल पे में जाके आपको इसको एक्सेप्ट करना होगा। तो जैसे मान लीजिए हम गूगल पे के अंदर आ चुके हैं, अब यहाँ पे देखिए अब पे नाउ पे क्लिक करेंगे, UPI डालेंगे, पूरी तरीके से ट्रांजेक्शन हो जाएगा। फिलहाल हम इसको करना नहीं है तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं कैंसिल पेमेंट, हमने क्योंकि कर दिया ऑलरेडी। अब यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद आप देखेंगे पूरी तरीके से इस तरीके से ड्यू जो भी होगा हम भर देंगे, जिससे हमारा ओवर ड्यू की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी और हमें फाइन भी नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरीके से सैमसंग का और आप इस तरीके से फाइनेंस आप इजीली भर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट गूगल पे से भर दें तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है DMI फाइनेंस का। इस लोन आईडी को आपको करना है कॉपी या फिर नोट डाउन कर लेना है। नोट डाउन करने के बाद करना क्या है, आप फ़ोनपे के अंदर आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद एक ऑप्शन मिलता है इसके अंदर होम इंटरफेस में लोन रीपेमेंट का, तो यहाँ पे लोन रीपेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। अब उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है DMI, उसके बाद ये ऑप्शन आ जाएगा DMI फाइनेंस का, इस पर क्लिक करना है। जो लोन अमाउंट है यहाँ पे फिलअप करिए। जैसे आप फिलअप करेंगे इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, जितना भी ड्यू बना होगा वो ड्यू यहाँ पे शो करेगा और आप आसानी से यहाँ पे भर पाएंगे। फिलहाल मैंने पूरी तरीके से पे कर दिया तो यहाँ पे मैं पे करने वाला नहीं हूँ, तो इस तरीके से आप आसानी से पे कर पाएंगे। तो आशा है ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।